हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है इलेक्ट्रिक सॉपर या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आरी। ये आरी को मैंने लिया है अमेजोन से, तो चलिए देखते हैं कैसे इसके फीचर्स और कैसा है इसका परफॉर्मेंस और कैसे करती है हमारी ऑटोमेटिक आरी काम। तो ये है हमारी ऑटोमेटिक आरी। बेसिकली ये एक ड्रिल मशीन का अटैचमेंट है और ये है हमारा एडेप्टर। इसके साथ में आता है आपको हैंडल। भले ही आप कुछ भी काट रहे हो, मेटल, वुड, प्लास्टिक, अगर आप इसको लगाकर काटेंगे तो आपकी पकड़ अच्छी आएगी और आपकी वुड या फिर मेटल बहुत अच्छे से कटेंगे। और इस आरी के साथ में आपको ये मिलती हैं तीन ब्लेडें, जो दो ब्लेडें हैं वुड की और एक ब्लेड है मेटल की। अब अगर हम इस एडेप्टर की बात करें तो इस एडेप्टर का वेट है 350 ग्राम और ये आप किसी भी ड्रिल मशीन में लगा सकते हैं, चाहे तो वो कॉर्डलेस ड्रिल मशीन हो या फिर वायर वाली ड्रिल मशीन हो। अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो इसका हैंडल भी बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, जो आप इस तरफ लगा सकते हैं या फिर आप इसके इस तरफ लगा सकते हैं। इसके बाद जो ये कटर ब्लेड्स हैं, इसमें सबसे बड़ी जो है यह है 152 mm की। इसके बाद जो ये मेटल वाली है यह है 133 mm की और ये फिर से वुड वाली है जो कि है 100 mm की। ये तीन अलग अलग साइजेस की आपको ब्लेड मिल जाती है। ये जो हमारा एडेप्टर है ये इजी टू ऑपरेट है, इसमें ज़्यादा कोई मैकेनिज्म है नहीं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और इसको होल्ड करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ब्लेड कैसे लगाते हैं। ये है हमारा एडेप्टर, यहाँ पर आपको जो बिट दिख रहा है ये जाएगा ड्रिल मशीन के अंदर और ब्लेड लगाने के लिए ये वाला मैकेनिज्म दे के रखा है। ब्लेड लगाने के लिए मैं लीवर को यहाँ पर पुल करूँगा और ब्लेड इंसर्ट करूँगा और लीवर को छोड़ दूंगा। बस ये मेरी ब्लेड लग चुकी है। अब जब मैं इसको ड्रिल मशीन के अंदर लगाऊंगा, ये ड्रिल मशीन इसको घुमाएगी और ये इस प्रकार से वर्क करेगी। अब यदि आपको ब्लेड बाहर निकालना तो फिर से आप लीवर को खींचिए, ये ब्लेड आपकी बाहर आ जाएगी। इसको ड्रिल मशीन में लगाना बहुत ही आसान है। ये मैं ड्रिल मशीन में जस्ट जैसे हम बिट लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे और मैं इसको यहाँ से टाइट कर दूंगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे आप काट सकते हैं वुड, मेटल, पीवीसी। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये मैंने अमेजोन से 1200 रुपये में लिया है, मगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्राइजेस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए ये आपको कुछ 1200 से 1600 रुपये के बीच में मिलेगी। हमारी आरी यहाँ पे हो चुकी है रेडी और देखेंगे क्या ये आरी वाकई में वुड और मेटल आराम से काट पाती है या फिर इसको करनी पड़ती है अच्छी खासी मशक्कत। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमोस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ मैं आपको जरा प्लास्टिक काट के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने अपनी कॉर्डलेस ड्रिल मशीन से बहुत अच्छे से पाइप को काटा है। अब मैं यूज़ करूँगा वायर वाली ड्रिल मशीन और हम आगे काटेंगे प्लाई और मेटल। ये मेरे पास एक 19 mm का प्लाई है, अब मैं जरा इसको काटता हूँ। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पर मेरे पास एक मेटल का पीस है, अब हम जरा इसको काटेंगे। अब हम जरा एक और काट के देखते हैं। तो हमने इससे 19 mm का प्लाई काटा है और ये मेटल काटा है, साथ में हमने इससे प्लास्टिक भी काटा है। ओवरऑल बात करें तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सॉ पूरा पैसा वसूल है, इसको आप खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी किफायती है ये हमारी आरी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां से भी जाके आप इसको खरीद सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। और यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।